करना चाहते हैं वो करिए, लेकिन आप बस ये चार दिन, हमारी ईद आने वाली है, हमारा रमजान चल रहा है, ये चार दिन के बाद हमारे लिए आप प्रोसेस स्टार्ट करिए, ये चार दिन के बाद। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा मेरे को यह बोला, हमको उस चीजों से कुछ भी मतलब नहीं है, हम आपको तोड़ेंगे, एक तारीख को हम आपका डिमोलिशन करेंगे, चाहे आप हटो या ना हटो। मैंने फिर भी ये रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे लोग एहतिकाफ में, हमारी गली के अंदर मस्जिद है, एहतिकाफ एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी मस्जिद के अंदर ही रहता है 10 दिन, तो हमारी गली के अंदर बहुत से लोग एहतिकाफ में बैठे हुए, कम से कम उस एहतिकाफ वालों के लिए हमारे लोग सोचे कि एहतिकाफ चल रहा है तो भी ये मस्जिद टूटेगी, ये घर टूटेंगे, लोग टूटेंगे, हमारा एहतिकाफ भी टूट जाएगा उस वजह से। तो मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई हमारे लोगों के साथ, हम बहराम वालों के साथ, हम कोलियाली गली वालों के साथ, हम रंगून वालों के साथ में गलत हो रहा है। तो हम सिर्फ आप लोगों से इतना ही चाह रहे हैं कि आप सब बहराम वाले, नौपाड़े वाले, हम जो भी लोग इस चीज को देख रहे हैं, बम्बई वाले, यही चीज को देखे कि भाई हमको रमजान की ईद मनाने दिया जाए। जब हम लोग अपने घरों को सजाने लगने, जब सजाने का टाइम है, जब हमारे घर को सजाने का वक्त है, जब ये बीएमसी हमारे घर को तोड़ने के लिए आ रही है, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह के वास्ते हमारी उम्मत का हमारा साथ दीजिए और हमारे लिए आइए आगे बढ़कर। हम बहुत परेशान है, हमारे लोगों के पास घर नहीं रहने वाला है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग के लिए आगे आइए, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत से हमारे लोग हैं, हमारे अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह सुभान व तआला का बहुत बहुत शुक्रिया, उसका शुक्र है कि जो ये टेंशन हमारे सर पर आया था कि रमजान के पाक मुकद्दस महीने में जो बांद्रा के झोपड़े तोड़ने वाले थे वो रुक गया। अभी मेरी बात हुई, कमिश्नर साहब से भी बात हुई, मेयर साहब से भी बात हुई, दोनों ने पूरा आश्वासन दिया है कि वारिस भाई आप फिक्र नहीं करें, हम लोग 6 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई वहां नहीं जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह आप उमरा करके आ जाइए, बैठेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो अपात्र है उसको पात्र किया जाए, या जिनको शिफ्टिंग करना है, तो जिसको माहौल नहीं जाना है तो उनके लिए कहीं और जगह का प्रबंध किया जाए, वो भी सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं मैं, बस आपसे इतनी गुजारिश करता हूं कि आप शांत रखिए, दुआएं करिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए, आप ईद बनाइए, उसके बाद में इंशाल्लाह देखेंगे जो भी बेहतर होगा सबके लिए, अल्लाह वो करेगा। मैं आपके साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा, आप फिक्र मत करिए जरा भी, दुआएं करते रहिए, मुझे भी अपनी खुशी दुआ में याद रखिए, आकर आपसे मुलाकात करेंगे और इंशाल्लाह मीटिंग करके जो बेहतर होगा वो करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके